कांग्रेस की इतनी बुरी हालत होगी वैसा भी, इसलिए कांग्रेस तो पहले चौरंगाबाद शहर में पूरा हमारे पार्टी के लोगों ने सत्यानाश कर दिया। ये बात सबको पता है मेरा राजीनामा देने का क्या मकसद है। आप लोगों ने सब देखे, मैं 20 साल से जो है 20 से 22 साल कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ और ईमान इतबार से काम कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को जो है। और रोड के ऊपर बैठ के कांग्रेस पार्टी बढ़ाया और हर टाइम जो है कांग्रेस के बारे में जो है उसका झंडा लहराया और जनता के काम के लिए हमेशा मैं कांग्रेस के साथ रहा। और मगर कल जो नामांतर का जो मसला हुआ, हमारे को सबसे पहली बात संभाजी महाराज को कोई विरोध नहीं, हमारा ये बोलना है संभाजी महाराज को तुम जालने को भी नाम दे सकते, तुम बीड को भी दे सकते, तुम नासिक को दे सकते, दूसरे हर बहुत शहर है उसको दे सकते, और ये खासतौर पर औरंगाबाद को देने का क्या मतलब। इसलिए मुसलमानों को जो है दिल को ठेस पहुँची, इसलिए जब समाज सब नाराज़ है तो ऐसे टाइम में ऐसे इसमें लीडरशिप करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने जो है राजीनामा दिया। मेरा तो अभी कोई डिसीजन नहीं है दूसरे कोई पार्टी में, हाँ वो मेरे कार्यकर्ताओं से लेके हम सब मीटिंग करेंगे और उसके बाद जैसा भी है हम डिसाइड करेंगे कौन सी पार्टी में जाना है या नहीं जाना है, या तो अपक्ष लड़ेंगे। जिस तरीके राष्ट्रवादी से जब छोड़ दिया उन्हें तो राष्ट्रवादी का वो खत्म होगा, मैंने छोड़ दिया भाई कांग्रेस से खत्म होगा, बराबर है भाई, विषय नहीं रहता ना भाई, छोड़ दिया वो खत्म होगा। अब जो भी ऐसा ग्रुप तैयार होगा जो सभी लोगों को मुसलमानों को लेके जो एक साथ चलेगा, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएगा, औरंगाबाद शहर का नाम जो हमारे साथ में नई बदली हो रहा है इसके साथ में रहेगा, हम वो सब वो ग्रुप के साथ रहेंगे। आपके मालूम के वास्ते इसके पहले भी नाम हुआ था, शायद वो नाम नहीं होता, ठीक है, इन्होंने जो है स्टैंडबाजी करे, क्योंकि तो औरंगाबाद शहर के अंदर उद्धव ठाकरे साहब के 5 लोग चले गए थे, 5 आमदार उनके चले गए थे। अब उन्होंने देखे कि औरंगाबाद मराठवाड़े की राजधानी है, इसलिए कुछ तो भी अपना एक नया छोड़ के आखिरी टाइम में चले गए, तो मेरे को नहीं लगता औरंगाबाद का नाम जो है बदली होगा और हम इंशाल्लाह उसको बदली होने भी नहीं देंगे, हम हाईकोर्ट में लड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में। इसके बारे में जो है ना अभी तो सेना का भी कोई सवाल नहीं, भाजपा का तो दूर दूर तक कोई सवाल नहीं आता, फिर बाकी का जो है अभी कोई कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी का भी है, इन्होंने ऐसा कर लिया तो अभी कौन है अभी पार्टी साथ वंचित और इमान हम जो है वंचित वगैरह के इनके साथ पैक करेंगे, जो भी मुसलमानों के हित के अंदर आएंगे जो भी पार्टी आएंगे हम उसके साथ जो है एक साथ ताकत बन के खड़े रहेंगे और उसके साथ में हम काम करेंगे। सबसे पहला काम मेरा ये है राजीनामा देने का, मैंने वो दे दिया, अब उसके बाद में ठहराएंगे इलेक्शन को बहुत टाइम है, मगर एक बात ज़रूर है कि लोगों के लिए हम लड़ते रहेंगे और लोगों के लिए हमेशा रोड पे रहेंगे, चाहे पार्टी छोड़ दिए इसका मतलब हमने सब छोड़ दिया ऐसा नहीं, हमारे लोगों के बीच में रहेंगे और लोगों का काम करेंगे, नहीं बिल्कुल संघर्ष करेंगे, ज़रूरी नहीं है लोग चाहिए पार्टी किसकी, शिवसेना भाजपा की बन गई तो क्या फिर हमारे काम नहीं होंगे, ऐसा नहीं, कायदे के दायरे में रहेंगे और कायदे में जो भी बैठते हम काम करेंगे, रोड पे आएंगे संघर्ष करेंगे और लोगों का काम करेंगे, हमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, हम जो है पहले से ही काम करते आए, कैसा काम करना या ऊपर आमदार है या नीचे खासदार है उससे कोई मायने नहीं रखते, हम संघर्ष करके जो है काम करेंगे, नहीं वो उनका मतलब उनका मसला है, ये तो और वो देना चाहिए, उन्होंने देना चाहिए, मेरा साफ साफ मत है कि उन्होंने सबने देना चाहिए राजीनामा, नहीं मेरे से मेरी किससे भी बात नहीं हुई, और ये तुम्हारे मालूम क्या सबको मालूम है कि आखिरी टाइम में जो है आखिरी दिन बचा था और उसके अंदर इन्होंने डिसीजन ले लिए, उसमें भी कुछ लोग मीटिंग में से उठ के चले गए, वो भी हमको मालूम पड़ा कि जो है जैसा कि मुंबई के मिनिस्टर है असलम सेठ वो मिले उसमें से उठ के गए और वर्षा गायकवाड़ और कोई बाकी के तो अंदर की जानकारी नहीं है, मगर वो जो हुआ गलत हुआ। एमआईएम का फायदा होगा या नहीं होगा मैं नहीं बताता, जनता डिसाइड करती उसका, मैं सबसे पहले ये बताऊँगा 2.5 साल के अंदर कांग्रेस की इतनी बुरी हालत होगी वैसा भी कि यहाँ पे जो शहर अध्यक्ष थे हमारे उनके वो 10-5 लोगों के जो लोग थे कांग्रेस पार्टी की उनका भी कोई पूरा ध्यान नहीं था, जैसा कि हमारे बाबूजी है
हमारे पार्टी ने जो हमारे बाबूजी को भी जो है वो कर दी गया, इनकी भी जरूरत नहीं रही ऐसा काम करनी है, उनको भी नहीं उन्होंने आखिरी तक वो करे 2.5 साल के अंदर। इसलिए कांग्रेस तो पहले चौरंगाबाद शहर में पूरा हमारे पार्टी के लोगों ने सत्यानाश कर दिया, इसमें बात नहीं की। और अभी मैंने फैसला ले लिया, हमारे जो लोग हैं कार्यकर्ता है उनकी इसके ऊपर बैठ के हमारे डिसीजन हुआ और हमने